उसके दरबार मौजूद है, सिपाही मौजूद है, पूरा दरबार भरा हुआ है। उस जमाने का वतीरा ये हुआ करता था कि बादशाह खत खुद नहीं पढ़ा के सुनाया गया, उसके जवाब में लिखा हुआ था अल्लाह का साहा बहुत बड़ा झूठा है। जैसे ही दरबार के अंदर ये आवाज गूंजी, बादशाह अपनी महसूस हुई, कहां कहां तक के पीछे ऐसा जवाब लिख के दिया है अल्लाह का बिन जैसे कहा के पीछे जवाब लिखा है तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या कहते हो, जिसको वो बना मजा नाज़े ज़बान
ये शान है मेरे नबी के चाहने वालों की, मेरे नबी से प्यार करने वालों की, मेरे मोहब्बत के नबी से मोहब्बत करने वालों की। सस्ता महीने के नाम मर्द मोमिन की शान का आलम यह है कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है, नबी ने जो जमी पैदा चाची है सजी ने आज भी हो तो पराजी दिन ई भी पैदा आज हर शख्सी है पैदा कुल सिलसिला। बस आखिर में यही कहूंगा कि मुस्तफा से मोहब्बत करो, अपने घर की बेटियों को मुस्तफा की इश्क की दास्तानें सुनाओ, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत सिखाओ, ताकि तुम्हारी बच्चियां कोई दुनिया की एक्ट्रेस ना बने, हीरोइन ना बने, नंगा नाच करने वाली ना बने, बल्कि पाहया पर्दे की जो है महाफिज बन जाए। मौजूद सामईन किराम अपने घर की बच्चियों पर कड़ी नजर रखो, ये मत सोचा करो यार मेरी बेटी तो ऐसी नहीं, मेरी बहन तो ऐसी नहीं, याद को ये शैतान का फरेब और धोखा है। नफ्स और शैतान तेरे साथ भी है, मेरे साथ भी है, अगर मेरी निगाह बहक सकती है तेरी बहन की निगाह भी बहक सकती है मेरे सामने किराम। लिहाजा अपने घर की बेटियों पर सख्त पहरा रखो, उनके हाथ में इस नाजायज मोबाइल को मत जाने दो, कहीं वो अपने किरदार को बिगाड़े और खराब करे, आखिर में तेरी नाक काटने का सबब आ जाए। मौजूद सामने किराम अपनी बेटियों को बेहतरीन तालीम दो, अच्छी तालीम दो। आखिर में मैं उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने ये डेकोरेशन किया, इसमें दामे कदम सुखने कर हमें हिस्सा लिया, अल्लाह तबारक व तआला उनकी हौसलों को सलामत रखे और उनकी इस काबिश को कबूल फरमाए, नबी कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालेन अक्दस का सदका अता फरमाए। और मैं उन लोगों से जो कमेटी में लोग हैं उनको हौसला उनकी हौसला अफजाई करता हूँ कि आगे भी वो इसी तरह से इंशाअल्लाह तबारक व तआला करते रहेंगे, और नए लोग जो इसमें जुड़ना चाहते हैं वो कमेटी को सपोर्ट करें, और खास तौर से ये कि मेल मोहब्बत और प्यार के साथ काम करें। दिलों के अंदर शैतान तो यही चाहता है, अल्लाह फरमाता है शैतान तो यही चाहता है कि तुम्हारे दरमियान नफरत पैदा करके लड़ाई पैदा करे, फसाद पैदा करे, लिहाजा शैतान को अपने अंदर जगह मत देना। कोई कम्युनिटी हो, कोई कमेटी हो, कोई संस्था हो, कोई भी हो, अगर शैतान दखल अंदाजी करता है और उसकी बात पर हम लोग काम धर देते हैं तो वो संस्था चूर चूर हो जाती है, कमेटी चूर चूर हो जाती है। लिहाजा प्यार मोहब्बत के साथ